हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वार्म वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी पिछले 12 साल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। हालांकि ये पीडीएफ 2-3 दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको परफेक्ट पीडीएफ देना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये है कि किस ईयर में जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, इसे ऑर्गेनाइज करने में टाइम बहुत लग गया। और मुझे जितना जितना टाइम डेली मिलता जाता है मेरी ऑफलाइन कोचिंग के अलावा, उस वो टाइम मैं आप लोगों के लिए स्पेंड करता हूँ। तो ये पीडीएफ बनाने में टाइम बहुत लग गया है, लेकिन आपको एक परफेक्ट पीडीएफ मिलेगी। और हम इसे जो है बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो के बाद पीडीएफ भी जो है इसकी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पिछले 12 साल के 2000, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, उसको मैं लिख दूंगा बाद में, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 2011 से लेकर 2011 से लेकर तो 2022 तक हम 12 साल के इसमें जो है पेपर का एनालाइजेशन करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और किस तरह के जो है क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहले अगर हम 2011 की बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 एंड Fe+2 आयन इज, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। इसमें चार ऑप्शन है, 0, 4, 6 और 3। FeCO यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। विच टाइप? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये एक जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यानी कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिला था। पहला वाला भी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है 2012 में। 2012 में एक क्वेश्चन और आपको देखने के लिए मिला यहाँ पर, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वन सेकेंड, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, आपको पता होगा। राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, ये भी आपको एक चूज़ द करेक्ट था, जिसमें से कैल्शियम मेटल या फिर आपका आयरन मेटल या सोडियम मेटल या ओर, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज, जैसे यहाँ पर आया था ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। अगला जो है आया था आपका 2016 में, अच्छा 14-15 में मुझे ऑब्जेक्टिव देखने के लिए नहीं मिले, मैंने बहुत ज़्यादा जो है उसे रिसर्च करके देखा, लेकिन मुझे 14-15 में ऑब्जेक्टिव देखने के लिए नहीं मिले। अगर आपको ऐसा लगता है कि 14-15 के पेपर में ऑब्जेक्टिव आए होंगे, तो किस तरह के आए होंगे आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। 2016 में जो ऑब्जेक्टिव आया था वो ये आया था, सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड, ये एक तरह से मतलब आपका वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स में आया होगा। हाँ, वन वर्ड में ही आया होगा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता तो मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक लगा के भी देता इस तरह से। FeCO एंड Ni आर मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ विच टाइप, ये रिपीटेड है, जैसा कि आप लोगों को 2012 में ऐसा कैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। 2018 में भी यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिला। 2017 में भी मुझे कोई ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर में से नहीं मिला है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, 2019 का देखते हैं हम यहाँ पर। 2019 में आप लोगों का द सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड, वाई, एक तरह से आपको वन वर्ड जो आता है जिसमें वन सेंटेंस के क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर देखने के लिए मिला। यानी रीजन देना है एक लाइन में हमें, ये एक तरह से आपका वन सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, वन सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। 2020 में एक मैदा कॉलम आया था जिसमें पैरामैग्नेटिज्म आया था, और उसका मैंने डायरेक्ट जो मुझे सही आंसर दिखा वहाँ पर वो मैंने लगाया है यहाँ पर, ओके। 2021 में ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग डैश ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट, एक मैजदा कॉलम आया था ट्रांजिशन एलिमेंट 2021 में, ओके। ब्लूप्रिंट चेंज होती रहती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी ईयर में तो दो दो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, लेकिन किसी ईयर में कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं आ रहा, जैसे 2022 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया इसका, लेकिन 2023 में आपको चार ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ बच्चे कमेंट करके ये पूछते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्या हम पिछली जो ब्लूप्रिंट है या पिछले जो 10 साल के 12 साल के आप पेपर बताते हो, क्या उसमें से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वही करें हम, या फिर उसमें जो 5 मार्क्स के वो भी कर लें। तो देखिए, केमिस्ट्री में ऐसा है
या फिजिक्स में भी आप लोगों को मैं बताऊं, वही क्वेश्चन जो रिपीटेड है शॉर्ट करके दिया जा सकता है 3 मार्क्स में। अगर पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे तो शॉर्ट करके आप लोगों को 3 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पिछले 12 साल के या 10 साल के आप पेपर कर लेंगे तो आपका उसके अंदर फ़ायदा ही आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 2011 पर, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं उन पर आ गए हैं अब हम 2011 के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अच्छा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2011 में आया करता था, है ना, 2011 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, जिसमें एक आपका जो है क्वेश्चन था, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि 1 मार्क का था, और उसके साथ में 4 मार्क्स का उन्होंने जो है उसी के नीचे क्वेश्चन दे दिया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कलर्ड आयन एंड कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, और उसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। उसके और में ये क्वेश्चन आया था, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, और राइट टू यूजेस ऑफ लेंथेनाइड्स एंड टू यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स, ठीक है, अपने को ये भी लिखना था। 2012 पर आते हैं तो 2012 पर भी में भी जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, जिसमें से उन्होंने जो है एक क्वेश्चन दो पार्ट में दिया था, जो कि ढाई ढाई मार्क्स के होते हैं, उसमें लिखा हुआ भी था इस तरह से कि ढाई ढाई मार्क्स के हैं, ठीक है। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के बारे में अपने को बताना था, ठीक है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय 2011 में भी है, 2011 के अंदर भी है, तो वो के वही जो है रिपीट भी हुआ है 2011-12 में, आप ये भी आप देख सकते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है, आगे आप देखेंगे आगे सालों के अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन कई बार रिपीट हुआ है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 2012 में ही इसी के और में ये क्वेश्चन आया था, जिसको 2+3 मार्क्स में इन्होंने दिया था, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके और में दिया था डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंसेज बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में आया था, टू डिफरेंस बिटवीन, इसी तरह से पेपर में लिखा हुआ था, तो ये कि यही मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। 2013 में हम चलते हैं, तो कुछ गिव रीज़न के क्वेश्चन आए थे, जैसे कॉपर प्लस आयन इज कलरलेस बट कॉपर प्लस टू आयन इज कलर्ड, वाई, ये 3 मार्क्स में आया था, और 3 मार्क्स। अच्छा, ये 2013 से इन्होंने 6 मार्क्स की ब्लूप्रिंट कर दी थी, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, तो 6 मार्क्स में इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अच्छा, केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई चैप्टर अगर 5 मार्क्स में के भी क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक मार्क्स में दे देते हैं, 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, या फिर 2+3 में दे देते हैं, इस तरह से आपको केमिस्ट्री के पेपर में देखने के लिए मिलता है हर साल, और इस साल भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, इसमें तो जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 3 मार्क्स में आपको ये बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, कहीं 5 डिफरेंस बिटवीन दिए हैं तो उसमें से 3 डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 8th क्वेश्चन हम देखें, जो कि 2013 में इसके और में आया था, उसमें कहा था लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो होते हैं उनके बीच में अपने को कंपेयर करना है, यानी 5 डिफरेंस बिटवीन अपने को लिखने हैं। ये जो है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 5 डिफरेंस बिटवीन आए थे, लेकिन 6 मार्क्स का था, पता नहीं किस तरह से उन्होंने मार्क डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, लेकिन मुझे जो मार्क्स मिले उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ओके। या फिर मिसप्रिंट हो गई होगी, यहाँ पर 6 भी हो सकता है, तो हम 6 अगर याद करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, 3 डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं इस बार। अब 2014 में चलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वाई, एक गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, वाई, ये भी जो है गिव रीजन टाइप आपको क्वेश्चन 2014 में देखने के लिए मिला था, ओके। और तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग जो है सेम टाइप ही क्वेश्चन होते हैं, तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसके ऊपर वाले रिपीटेड नहीं है। अच्छा, 2015 में हम चलते हैं, ताकि हमें पता लग जाए पिछले 4 साल में से, यानी 2011 से 14 से कितने रिपीट हुए हैं। अच्छा, 2015 से पहले 2014 का ही हम देख लेते हैं, इसके और में ये क्वेश्चन आया था, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 डिफरेंस बिटवीन लिखना है, 6 मेन डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं, ये 6 मार्क्स का आया था। अच्छा, ये 3 मार्क्स का जो है बनकर आ सकता है, 3 डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं, तो इस तरह से हम 2023 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2015 में अगर हम देखें, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन करना है और राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस तरह से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, राइट 6 डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013-14 में शायद आया था ये,
अभी हमने देखा था। अच्छा, अब हम चलते हैं 2016 की तरफ। तो 2016 में अगर हम देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकम पैरामैग्नेटिक, वाई, ये एक रीज़न अपने को लिखना था। उसके अलावा जो है इसके साथ में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिला था, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अपन आगे देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें, क्या ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है या नहीं होता है। ओके, लेंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करना है। अच्छा, 2-2 मार्क्स के इसके और में, ये 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इन्होंने दिए थे, इसके और में 2-2 मार्क्स के 3 दिए थे। इस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा था, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उस हिसाब से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? देखो, मैंने कहा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है वो। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अपने को लिखना है, उसकी इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 2017 पर। ठीक है, 2017 पर व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये शायद दूसरी या तीसरी बार रिपीटेड है 3 मार्क्स में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। अच्छा, 2017 की अगर मैं आपसे बात करूं दोबारा, तो इस तरह से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने कर दिए थे। हालांकि इससे पहले वाले में जो 6-6 मार्क्स के आते थे, और 2017 में जो ऑफिशियली उन्होंने 3-3 मार्क्स के कर दिए थे, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी कई बार वो 2 पार्ट में जो है वो करके दे दिया करते थे, 2 और 4 का या 3 और 3 का। बाद में उन्होंने ऑफिशियली ऐसा कर दिया था कि 3-3 मार्क्स के हम 2 क्वेश्चन देंगे। ओके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2023 में भी जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इन में से आ सकता है। इनकी प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर लेंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, 3 डिफरेंस बिटवीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये एक नया क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस द डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम ल्यूसाइट विथ इक्वेशन। ठीक है, ये भी अपने को बताना है। 2018 पे आते हैं हम, तो 2018 में राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 आयन, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये क्वेश्चन आया था, विच वन इज़ मोर पैरामैग्नेटिक, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ में जो क्वेश्चन आया था, आयोनिक रेडियाई ऑफ Fe+2 इज़ लेस देन Mn+2 वाई, ये भी एक यू रीज़न का क्वेश्चन है आया है, ये भी हम इसे कह सकते हैं कि हाँ न्यू क्वेश्चन है ये। 2018 में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन जो है हाउ, यानी कि ये भी एक तरह से आपका ग्यू रीज़न और इक्वेशन देनी है अपने को इसमें, ये भी नया क्वेश्चन कह सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये रिपीटेड आया है इसके अंदर, ये हम देख सकते हैं। तो 2018 में हम कह सकते हैं कि पिछले 7 साल में से सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे रिपीटेड मिला इसके अंदर, जो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। खासतौर से पिछले 10 साल के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पेपर अगर हम करते हैं तो उसमें से रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बजाय इसके कि हम 5 साल या 7 साल के करें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मिनिमम 10 ईयर्स के क्वेश्चन आप रिपीटेड करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। 10 ईयर्स के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करें, या फिर 12 साल के कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट हम 2019 पे चलते हैं। एक्सप्लेन विथ केमिकल इक्वेशन एनी 4 ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, हालांकि ये मुझे थोड़ा न्यू लग रहा है तो इसे मैं न्यू ही कहूँगा। इसके और में 4 मार्क्स। अच्छा, 2019 में एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन उन्होंने कर दिए थे। 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया करता था 2019 के अंदर, उन्होंने ऐसा ब्लू प्रिंट में चेंज किया था। इसके और में आया है, डिस्कस द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे रिपीटेड नहीं कहूँगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब अपन बेसिक पढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का, या किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो शुरू में ही पढ़ते हैं, तो इसे बेसिक क्वेश्चन कहेंगे ये, लेकिन रिपीटेड नहीं है। 2020 पे आते हैं हम, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट तीसरी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। गिव 4 डिफरेंसेज बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में यहाँ पर रिपीट हो चुका है। 2021 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता लगेगा कि 2011 से 2020 तक अगर कोई बच्चा 10 साल के पेपर सॉल्व करके जाता तो उसको कितना जो है फ़ायदा यहाँ पर 2021 में देखने के लिए मिलता। हालांकि 2021 एक एक्सेप्शन साल ले सकते हैं हम, क्योंकि 2021 में जनरली पेपर नहीं हुए थे, जनरल प्रमोशन मिला था। लेकिन
2021 में पेपर नहीं होते, जनरल प्रमोशन मिला था, लेकिन जिन्हें पेपर देने थे, जिन्हें जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं थे उन्होंने पेपर दिया था, उनके लिए पेपर बना था, तो हम इसे एक एक्सेप्शन ईयर ले सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आया है इसमें, राइट द रिजल्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 3 मार्क्स का आया है। अच्छा, 2021 में एक चीज़ और देखने के लिए मुझे मिली कि 3 ही मार्क्स का एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था, उसके और में भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही दिया था। एक्सप्लेन द रीज़न वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड आयन, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, पक्का बोल रहा हूँ रिपीटेड है ये। वाई डू ट्रांजिशन मेटल एंड इट्स कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2012-13 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2022 पर हम आ जाते हैं, क्योंकि 2021 एक तरह से एक्सेप्शन ईयर था, तो 2022 पर हम आ जाते हैं। तो 2022 में आपको देखने के लिए मिला 5 डिफरेंसेज बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, बिल्कुल रिपीटेड है ये। उसके और में अगर हम देखें, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2011 या 12 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें आप देख लेना। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से एनालाइजेशन है पिछले 12 साल के पेपर का, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप पिछले 12 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो पूरे पेपर में से कम 80% रिपीटेड, 80% से ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आता है। उस टाइम पे जब हम पूरे जो है, अगर हम उस टाइम पे जब हम पूरे 12 साल के हर चैप्टर यानी सारे चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे, जब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम एक एक क्वेश्चन, एक एक जो है चैप्टर एनालाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक आपको रिपीटेड देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम 12 साल के अगर कर लेते हैं, रिपीटेड नहीं भी आता है तो उसके आसपास क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, तो कुछ ना कुछ हम एग्ज़ाम में ज़रूर करके आते हैं। तो ये एनालाइजेशन था, अगली वीडियो, अगले चैप्टर की वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए, और कोशिश करूंगा बायो के लिए भी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाएं, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियोस आप लोगों को एग्ज़ाम के लास्ट में लगभग नवंबर दिसंबर तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मिल जाएगी, जैसा कि हर साल हमारे चैनल पर मिलती है। पिछले 4 साल से हम दे रहे हैं, 2019, 2020, 2021 और 2022, 4 साल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।